स्पेशल है आपसे, क्योंकि यहाँ पे हमने चला रहे हैं काफ़ी बड़ा, और सर का बर्थडे, तो क्या कहना चाहेंगे, शुभकामनाएं सबसे पहले कि, और आपने यही जगह देखिए। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई चंपा सिंह थापा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज वो यहाँ पे पधारे और हमें अपने जन्मदिन की शुभकामना देने का अवसर दिया। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा कि एक हिंदूवादी नेता के साथ अपना जीवन यापन करने वाले, उनके हमेशा सहयोगी रहने वाले माननीय हमारे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के जो जीवन में हमारे चंपा सिंह थापा का बहुत योगदान रहा, उन्होंने हमेशा उनके साथ में पग पग पर उनका साथ दिया उनके अंतिम क्षण तक। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें एक हिंदूवादी नेता का जो सहयोगी रहा है उसका जन्मदिन हम क्यों ना अपने माता जी के मंदिर में मनाए, और ये बड़ा शुभ अवसर है कि हमें वो आज कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। और हम सभी जो यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज बड़ी संख्या में लोग हमारे हिंदू बड़े भाई जो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे के सहयोगी रहे, उनको इतने लोगों ने आकर के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया मंदिर में, तो इस तरह की उम्मीद थी आपको, और किस तरह से इनका शुक्रिया अदा करें, क्या कहना चाहेंगे? भाई तो सबसे पहला क्या बोलना चाहता हूँ कि मंदिर में आके भाई साहब ने मेरे को बहुत मदद की है, यानी मंदिर में आके इन्होंने बोले कि ठीक है इधर आ जाओ भाई साहब, बोले मैं इधर आने के बाद यानी देवी का दर्शन करके, यानी देवी का दर्शन करने के बाद भाई लोग का हाथ से यानी सभी लोगों का अपना हाथ में लोगों के हाथ में दीदी भाई लोग थे, हमारा घर का परिवार का खुश है। इधर मेरे को अगर आज का दिन में केक काटने को मिल गया, मैं अभी तक कभी ऐसा मनाया नहीं था, लेकिन ये टाइम में मेरे को ऐसा मौका मिला कि सभी लोगों ने मेरे को साथ दिए, अन्य तरह के मेरे को बर्थडे का सेलिब्रेशन करने के मौका मिला, बहुत अच्छी बात। किस तरह का सहयोग रहता है सर को लेके, आप उसके प्रति की संगठन चला रहे हैं बहुत बड़ा, किस तरह का सहयोग रहता है और क्या सहयोग और दे सकते हैं आप फ्यूचर में? हम बाद में अगर साहब के तरह सहयोग तो है ही है, और अभी इसके बाद हम जोड़ती हुए हम दोनों भाई हम लोग जोड़ किए और आगे सहयोग करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग दोनों भाई मिलकर, यानी भाई जगन भाई है, इन लोग हम लोग तीन लोग मिल के हम लोग सहयोग करेंगे आगे के फ्यूचर के लिए, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे और कहाँ कहाँ आपके संगठन की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ की ब्रांच है और फ्यूचर में और कितना बड़ा करने के आइडिया है? पूरे देश में 29 लाख संगठन के कार्यकर्ता हैं, ज़्यादातर हमारे महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हमारी काफ़ी जनसंख्या है, और मुझे खुशी है कि निरंतर संगठन पूरे देश में विस्तार कर रहा है, और हमारा प्रयास है कि हम जाति व्यवस्था से हट करके, राज्य व्यवस्था से हट करके सभी समस्त हिंदू समाज को एक छत्र छाया में लाएं, क्योंकि जाति व्यवस्था हमारे लिए अभिशाप की तरीके से, और इस जाति व्यवस्था को जिस तरीके से नेताओं ने आजकल बढ़ाया है, मैं देश के सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जाति व्यवस्था पे ना आकर के धर्म व्यवस्था के अग्रसर हो, वरना जो हालात हमारे देश के आज बन रहे हैं आने वाले समय में ये जातिवादी नेता तो अपना बुरिया बिस्तर लेकर के यहाँ से भाग जाएंगे और मारे सिर्फ आप जाओगे, इसलिए आप संगठित हो और सशक्त हो। और कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छी जगह पे मंदिर में बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो किस तरह की शुभकामनाएं, क्या शुभकामनाएं देंगे और क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी चंपा भाई की तरफ से और हमारे सभी यहाँ पे उपस्थित भाइयों से, खास करके द्विवेदी जी के तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज माता जी के चरणों में आज हम लोगों को यहाँ पे बुला के हमारे चंपा भाई को जो आशीर्वाद प्रदान किया है, उनके भविष्य में अभी आज तक तो 42 साल उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की
सेवा की, अविरत सेवा। अब हम चाहते हैं कि हमारे भाई भी राजनीति में एक अगला कदम रखते हुए समाज की सेवा करें, इसी उद्देश्य से। और धर्म के नाम पे जो धर्म का जो डंका हमारे योगी भाई ने जो चलाया है, मुझे बहुत खुशी हुई कि 29 लाख की संगठना का आज पूरे भारत में इनके लोग सदस्य हैं। तो हम भी चाहेंगे कि आने वाले दिनों में इनके कंधे से कंधा मिला के हमारा समाज, हम नेपाली समाज की तरफ से हम आपको एक वचन देते हैं यहाँ पे चंपा भाई के समक्ष, आप लोगों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के आगे हम आपके हर कार्यक्रम में सहयोगी करेंगे। नेपाल एक पूरा हिंदू राष्ट्र है और भारत भी आज से सदियों से आज भले धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन 85% हिंदू राष्ट्र होने की वजह से हम लोगों की रीति, हम लोगों की भाषा, हमारा संस्कृति, हर चीज़ एक ही है, कल्चर एक ही है। हमारा जो काम है हम लोगों को हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना, पूरे विश्व में आज 213 देशों में कुछ ही ऐसे देश बचे हैं जहाँ पे हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म का अलग जगह के फिर से भारत को एक बार विश्व गुरु बनाना है और हमारे हिंदू धर्म विश्व में हमको फैलाना है। दूसरी बात, चंपा भाई का आज जन्मदिन हम बड़े खुशी से मना रहे हैं। आज जिस तरह से एक निस्वार्थ सेवा बाला साहब ठाकरे की उन्होंने की, उसी तरह से वो समाज के हर वर्ग का, उन्होंने कभी जाति धर्म ये देखा नहीं किसी को, ये नेपाली है, ये बंगाली है, ये उत्तर भारतीय है, मराठी है, हर किसी को अपने तरीके से सहयोग दिया, सहायता की। इसी तरह से उनका ये स्वभाव हमेशा रहेगा, उनका आशीर्वाद हम सभी पे रहेगा। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कहूँगा कि अभी राजनीति में हमारे भाई सक्रिय होना चाहते हैं, आप लोगों का भी हमेशा उनको साथ मिले और ये जन्मदिन फिर से उनको मैं बधाई देते हुए अपने दो शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।